बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु थे। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। अगला है, समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। समुद्र पृथ्वी का कितने प्रतिशत है? तो लगभग 71% है। अगला है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। याद रखेंगे, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। अगला है, पित्त का स्रवण यकृत द्वारा होता है। पित्त का स्रवण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे लिवर भी कहते हैं, और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो याद रखेंगे, पित्त का स्रवण यकृत द्वारा होता है। अगला है, मानव शरीर से रक्तचाप एडिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। मानव शरीर से रक्तचाप किसके द्वारा नियोजित होता है? तो एडिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। अगला है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रा स्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रा स्फीति कहलाती है। अगला है, शिवाजी की माँ जीजाबाई थी। शिवाजी की माँ कौन थी? तो जीजाबाई थी। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस का निवासी था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। अगला है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। याद रखेंगे, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्या ही क्वांटोसोम कहलाती है। अगला है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। अगला है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, प्राचीन संख्या दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका योगदान है? तो कपिल मुनि का योगदान है। याद रखेंगे, प्राचीन संख्या दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। अगला है, मॉनसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मॉनसून का क्या कारण है? तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। अगला है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 है। अगला है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। याद रखेंगे, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अगला है, पृथ्वी का औसत तापमान 15°C होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 15°C होता है। इसी तरह के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो इसी तरह के प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न कराए जाएंगे। रोज़ाना वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है 10 बजे, तो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।